हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल लाइफ जिंदगी में। तो आज हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमी रिवीजन करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इकोनॉमी देखेंगे, तो लिस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आखिरकार ये 5 ईयर प्लान का इंडियन इकोनॉमी में आया कहाँ से। तो ये पहला जो विश्वेश्वरैया प्लान था, वो विश्वेश्वरैया प्लान के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। एरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया स्टार्टेड विथ विश्वेश्वरैया 10 ईयर प्लान। ठीक है, सर एम विश्वेश्वरैया पब्लिश्ड अ बुक टाइटल प्लान इकोनॉमी इन इंडिया इन 1934, वेयर इन ही प्रेजेंटेड अ ड्राफ्ट टू डबल द नेशनल इनकम इन डिकेड। ही प्रपोज टू शिफ्ट द लेबर फ्रॉम द एग्रेरियन सेटअप टू द इंडस्ट्रीज, थेरबाय उन्होंने प्रपोज किया कि शिफ्ट कर देंगे लेबर इंडस्ट्री को फ्रॉम एग्रेरियन सेटअप टू द इंडस्ट्रीज, थेरबाय एडवोकेटिंग फॉर डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिमिलर टू द यूएसए विद एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाउएवर देयर वाज नो फॉलो अप ऑफ दिस प्लान इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट सक्सेसफुली स्टार्टेड एंड अर्ज फॉर नेशनल प्लानिंग अमंग द एजुकेटेड सिटीजन ऑफ द कंट्री। सेकंड इज नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो दूसरा जो है 5 ईयर प्लान, वो नेशनल प्लानिंग कमेटी है। तो 5 ईयर प्लान हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में हम देख रहे हैं। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी था, वो इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप अ नेशनल प्लान फॉर इंडिया, इमेनेटेड इन 1938 विद द सेटअप ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हाउएवर बिकॉज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, द रिपोर्ट्स ऑफ द कमेटी कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड। द पेपर्स फाइनली केम आउट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948-49। थर्ड है बॉम्बे प्लान। 8 लीडिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोक्रेट्स फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट टाइटल दिया गया। 8 लीडिंग इंडस्ट्रीज और टेक्नोक्रेट्स से फॉर्मुलेट किया ड्राफ्ट, वो टाइटल दिया गया ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान फॉर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एडिटरशिप ऑफ पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इन 1944। दिस ड्राफ्ट इज नोन एज बॉम्बे प्लान। तो इससे जुड़ी और देखते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान वर डबलिंग ऑफ द आउटपुट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 5-fold ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 15 ईयर्स। अ की प्रिंसिपल ऑफ द बॉम्बे प्लान वाज दैट द इकोनॉमी कुड नॉट ग्रो विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। तो ऑफिशियली ये जो प्लान था वो नेवर एक्सेप्टेड, हाउएवर इट्स आइडियाज वेयर रेप्लिकेटेड इन फ्यूचर इकोनॉमिक प्लान्स। पीपल्स प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय हेमंत रॉय the communist leader on behalf of the post war reconstruction committee of the indian federation of lahore in 1944. It was based on marxist socialism and gave primacy to agriculture. It advocated for the nationalization of agriculture and all production activities. people's plan fourth mein aaya, people's plan wo draft kiya gaya tha hemant roy ke dwara jo ki communist leader the, on behalf of the post war reconstruction committee of the indian federation of lahore in 1944. नेक्स्ट जो फैक्ट है प्री प्लान पीपल्स प्लान से रिलेटेड, इट वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गेव प्राइमेसी टू एग्रीकल्चर। इट एडवोकेटेड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। गांधीन प्लान फिफ्थ में आया। तो गांधीन प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय एसएन अग्रवाल, द प्रिंसिपल ऑफ द कमर्शियल कॉलेज इन 1944। द प्लान आर्टिकुलेटेड अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंडिया विद सेल्फ कंटेंड विलेजेस। नेक्स्ट जो फैक्ट है गांधीन प्लान से रिलेटेड, unlike national planning committee and bombay plan, the plan laid more emphasis on agriculture than the next fact is, and whether industrialization was talked about it about it stressed upon promoting cottage and village level industry. next aaya sarvodaya plan. to this plan by drafted by jaipur krishna rai in 1950, it was inspired by gandhian plan and vinoba bhave's principle of self reliance. It laid stress upon agriculture as well as small and cotton industries. It advocated self-sufficiency by curtailing the use of foreign technology and implementing land reforms and decentralized participatory planning. So next aaya planning commission aaya. So after independence, the economic progress committee was formed by the All India Congress Committee. Pandit Jawaharlal Nehru was its chairman. In 1948, this committee recommended the formation of the planning commission. इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी जो था वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का फॉर्म्ड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। 1948 में इस कमेटी रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इट वाज
an extra constitutional body charged with the responsibility of formulating 5-year plans. National Development Council. It was founded on 6 August 1952. It presided over by the Prime Minister. It is the apex body for the decision, creating and deliberation on the development matter in India. It gives the final approval to the 5-year plan of India. So, summary of first 3 5-year plans after independence. First plan, time frame, objective and remarks. First plan, 1951 से 56 के बीच में फोकस था एग्रीकल्चर में, प्राइस स्टेबिलिटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में. इट वॉज बेस्ड ऑन हैरड डोमर मॉडल. ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपन इन्वेस्टमेंट रेट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन अ पॉजिटिव मैनर. जो सेकंड है वो सेकंड प्लान था, वो टारगेट था ग्रोथ का 4.5%. एक्चुअल ग्रोथ हुआ 4.27% 1957-56 to 50-61. फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में. इट वॉज नोन एज महालाना बोसिस प्लान. एडवोकेटेड प्लानिंग से फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज. इट लेड एम्फेसिस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज. ऑल्सो एडवोकेटेड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट पेसिमिज्म एंड ओवर वैल्यू एक्सचेंजेस. थर्ड प्लान जो था वो टारगेट था कि ग्रोथ हो 5.6% का. एक्चुअल ग्रोथ हुआ 2.84% का 1961-1966 के बीच में. फोकस था हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज में, विच वाज देन शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर विद पीएल 480 ड्यू टू टू वार्स वार्स विद चाइना 1962 एंड वार्स विद पाकिस्तान 1965 एंड सीवियर ड्रॉट ऑफ 1965-66. इट फेल्ड ऑन मेनी फ्रंट्स 1966-67, 67-68, 68-69 वेर एनुअल प्लान्स. ऑफ 5-year प्लानिंग फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर इज रिगार्डेड एज प्लान हॉलिडे. Due to the prevailing food crisis, annual plans were primarily focused on agriculture. During these plans, the foundation of the Green Revolution was laid down, which included widespread use of high yielding varieties, seeds, chemical fertilizers, and extensive exploitation of irrigation potential. During this year, the stocks of a 3-year plan were absorbed and 5-year planning system was resumed from 1969. So, summary of 4 to 12 5-year plans. Plans, time frame, objective and remarks. So, fourth plan, target growth 5.7%, actual growth 3.30%, 1969-1974. Focus was on self sufficiency in food and self reliance. क्योंकि जो वार हुआ था पाकिस्तान के साथ तो उस समय अमेरिका मना कर दिया था. अमेरिका से हमने मदद मांगा था कि कुछ गेहूं का सप्लाई हो जाए, तो उन्होंने मना कर दिया था. तो इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ रिलायंस का फोकस था. जो फोर्थ प्लान था, ऑब्जेक्टिव था कि टू इंप्रूव डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन. एम कर था कि नो टू फॉरेन एड, क्योंकि उस समय मदद मांगा गया था तो मदद मिला नहीं था. फर्स्ट ऑयल शॉक ऑफ 1973 मेड रेमिटेंसेस अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. फिफ्थ प्लान, टारगेट ग्रोथ 4.4%, एक्चुअल ग्रोथ 4.8%, 1974-1979. फोकस था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस में. ड्राफ्टेड एंड लॉन्च्ड बाय डीडी धार. दिस प्लान वाज टर्मिनेटेड इन द ईयर 1978. देयर वर रोलिंग प्लान फॉर द ईयर 1978-1979 एंड 1979-1980. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. It was drafted and launched by D.D. Dhar. This plan was terminated in the year 1978. There was a rolling plan for the year 1978-79 to 80. Sixth plan, target growth 5.2%, actual growth 5.4%, 1980-1985. Focused on poverty eradication and productivity enhancement. Stressed upon modernization of technology. For the first time, the frontal attack was made on poverty by adopting ambitious poverty eradication programs. तो पहला बार जो गरीबी में ध्यान दिया गया था 1985 6th 5-year प्लान में. 7th 5-year प्लान में हुआ क्या कि ग्रोथ था टारगेट का 5%, एक्चुअल ग्रोथ हुआ 6.01%. तो 1985-1996 5-year प्लान. फोकस था प्रोडक्टिविटी एंड वर्क में, तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर. ड्यू टू वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर, टू एनुअल प्लान्स वर कमेंस्ड फॉर द ईयर 1992-1991 एंड 1991-1992. 8th 5-year plan, target growth 5.6%, actual growth 6.8%, 1992 से 1997 में.
So focus the plan with a human face, that is a human resource development. During this plan, new economic policy was launched with LPG, liberalization, privatization and globalization. It gave primacy to human capital and the private sector. Its 5-year plan ke dauran LPG reform aaya tha 1992 to 1997. 9th 5-year plan jo tha, target growth 7.1%, actual growth 6.8% tha. Focus the growth with justice and equity. It stresses upon four dimensions: quality of life, generation of productive employment, regional balance and self-reliance. 10th 5-year plan target tha growth 188.1%, actual growth tha 7.7%. 2002 se 2007 ke beech mein it was aimed to double the per capita income of India in the next 10 year and to reduce the poverty ratio by 15% by 2012. 11th plan target tha growth ka 8.1%, actual growth was 7.9%. 2007 se 2012 focus tha faster growth and more inclusive growth. 12th 5-year plan 2012 se 2017 target था growth 8%, focus था faster, more inclusive growth and sustainable growth. तो नीति आयोग का formation होता है उसके बाद. नीति आयोग, the National Institute for Transforming India is a policy think tank of Government of India. Established in 2015, it replaced the Planning Commission. It has a dual objective of achieving sustainable development goals and to enhance cooperative federalism with bottom to top approach. It's initially include action plan 3 years, strategy plan 7 years, vision plan 15 years. तो 25 साल का plan लेके चले हैं, action plan 3 साल, strategy plan 7 साल, vision plan 15 साल. तो हम national income, GDP, GNP, NNP, personal income etc. ये सब के बारे में जानते हैं. आखिरकार है क्या ये सब? तो नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो है इज यूजुअली डिफाइंड एज द नेशनल इनकम इज यूजुअली डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 ईयर. फॉलोइंग आर द मेजर्ड ऑफ नेशनल इनकम: जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई, डीपीआई. तो जीएनपी, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, पीआई होता है पर्सनल इनकम, डीपीआई होता है डिस्पोजल पर्सनल इनकम. तो जीडीपी जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. तो जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 ईयर. इन दिस वी कंसीडर ऑल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ रेजिडेंट सिटीजंस एंड फॉरेन नेशनल हु रिसाइड विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री. एग्जांपल, सपोज देयर आर 100 करोड़ इंडियंस हु अर्न रुपीस 100 करोड़ इन इंडियन टेरिटरी एंड 1 करोड़ फॉरेनर्स हु अर्न रुपीस 10 करोड़ in Indian territory and send it to their respective countries. At the same time, the 10 crores Indian living in foreign countries earn rupees for 40 crores and send it to India. Her GDP is 100 plus 10, 110 crore. Gross national product, GNP, is defined as the total value of the final goods and services produced by Indians in India as well as abroad during a particular period. GNP includes the value of goods produced by resident and non-resident citizens of country where the income of a foreigner who resides in India is excluded. Example, suppose there are 100 crore Indians who earn 100 crores in India, Indian territory, and 1 crore foreigners who earn 10 crores in Indian territory and send it to their respective countries. At the same time, 10 crore Indians living in foreign countries earn 40 crores and send it to India. So our GNP is 100 plus 40 crore. And we can say that GDP is GDP plus net factory income from abroad. Export import, GNP 110 plus 40 minus 10. In what remittances come in export and outward remittances in import?
नेट नेशनल प्रोडक्ट इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन. फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट इन अकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. Market price for calculating market price we add indirect tax and deduct subsidies given by the government in factor cost. Market price equal to factor cost plus indirect tax minus subsidy. Net national product at factor cost is equal to net national product at market price minus indirect tax plus subsidy. Net national product at factor cost equal to net national product at market price minus indirect tax plus subsidy. Usually we call net national product at factor cost as a national income. Usually we call net national product at factor cost as national income. Likewise, net national product at factor cost, we can also calculate GDP at factor cost. Personal income, it is the sum of all the income received by people of the country in 1 year. Personal income equal to national income plus transfer payment minus undisclosed profit of corporate plus payments for social security provision. Transfer payments are the payments that are not against any productive work, example old age pension, unemployment compensation, etc. Social security provision, payment made by employees towards PF insurance, etc. Disposable personal income, income available to individual after deducting direct taxes. Disposable personal income equal to personal income minus direct taxes. Real income and nominal income. If we use base year price for calculating national income, this is called the real income. If we use base year for calculating national income, this is called the real income. If we use base year price for calculating national income, this is called the real income. If we use the particular year price for calculating national income, this is called the national income. GDP deflator used to calculate overall price rise. Estimation of national income in India. In 1868, Dadabhai Nauroji wrote a book, Poverty and British Rule in India. It was the first attempt to the calculation of national income. The first person to estimate national income scientifically was Dr. B.K. R.V. Rao, who estimated national income for the period 1925 to 1929. After independence, National Income Committee was formed in 1949 under the chairmanship of P.C. Mahalanobis. After some years, Central Statistical Organization was formed. अब हम देखते हैं वेरियस प्राइसेस इन इंडेक्स इन इंडिया. सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीपीएल. वेरियस प्राइसेस प्राइस इंडेक्स इन इंडिया. वेरियस वेट लिफ्टेड प्राइस इंडेक्स आर कैलकुलेटेड इन इंडिया. दो दीज आर होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स, न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंट्रोड्यूस इन फरवरी 2011, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स. टिल अप्रैल 2014 द इन्फ्लेशन रेट वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स. करंटली इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड होलसेल प्राइस इंडेक्स. इट मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट. इट इज ऑल्सो नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन. करंटली current base year 2011-12, the index basket of the current series has a total of 697 items, 617 items for primary articles, 16 items for fuel and power, and 564 items for manufactured products, published by Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. World Consumer Price Index. Consumer Price Index for Industrial Worker, CPI, IW, it measures the change in the price of commodities consumed by the industrial workers. Current base year 2008, published by Labor Bureau. Consumer Price Index for Urban Non-Manual Employees, CPI, UNME. It measures the change in the price of commodities consumed by the non-manual employees. Published by CSO, Central Statistics Office, Ministry of Statistics, it has been discontinued. Consumer Price Index for Agriculture Laborers. It measures the change in the price of commodities consumed by agriculture laborers. It is a subset of CPI RL, current base year 1986-87. Published by Labor Bureau, used for revising minimum wages. Consumer Price Index for Rural Laborers, CPI RL. It measures the change in the price of commodities consumed by rural laborers, include agriculture laborers, laborers of villages and cottage industries.
करंट बेस ईयर 1986-87 पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो यूज फॉर रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड इन फरवरी 2011 सीपीआई रूरल करंट बेस ईयर 2012 पब्लिश्ड बाय सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीपीआई अर्बन करंट बेस ईयर 2012 पब्लिश्ड बाय सीएसओ सीपीआई कंबाइंड करंट बेस ईयर 2012 पब्लिश्ड बाय सीएसओ करंटली इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ फूड आइटम्स कंज्यूम्ड बाय द पीपल करंट बेस ईयर 2012 पब्लिश्ड बाय सीएसओ और ये पटेल कमेटी द कमेटी वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Major recommendation of the committee are CPI ranges should be between 4% plus minus 2%. Repo rate always should be more than CPI. Proposed formation of Monetary Policy Committee to fix accountability government to help RBI to achieve set targets. GDP deflator used to calculate overall price rise known as implicit price deflator. GDP deflator equal to nominal GDP or real GDP into 100. Here real GDP minus GDP calculated at constant price. Nominal GDP minus GDP calculated at current price. The GDP deflator is the most accurate because it covers all goods and services produced in the economy. The other indices WPI and CPI derived from price quotation from select commodity basket. The government does not use it because GDP deflator data comes quarterly, not weekly or monthly basis. RBI and monetary policy के बारे में देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्हिच वाज नेशनलाइज्ड इन 1949 सेंट्रल ऑफिस इनिशियल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता एंड लेटर मूव्ड टू मुंबई इन 1937 ऑफिशियल डायरेक्टर गवर्नर एंड नॉट मोर देन फोर डिप्यूटी गवर्नर्स करंटली फॉलोइंग पर्सन्स आर ऑन द फॉलोइंग पोस्ट गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल डिप्यूटी गवर्नर एम के जैन श्री एन एस विश्वनाथन डॉक्टर वायरल श्री बी पी कनांगू आर बी आई परफॉर्म्स हिज फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बी एफ एस कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 1994 द बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाई कोऑप्टिंग फोर डायरेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड एंड चेयर बाई द गवर्नर इंपॉर्टेंट एक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाई द आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 पब्लिक डेब्ट एक्ट 1944 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2007 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेस एक्ट 2002 अदर रेलेवेंट एक्ट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 रेगुलेशन रूरल बैंक एक्ट 1971 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 कंपटीशन एक्ट 2002 इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 Following are the fully owned subsidiary of RBI Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India, DICGC. Bharati Reserve Bank, Not Mudran Private Limited, BRB and PMPL, National Housing Bank, NHB. The first governor of RBI, Sir Osborne Smith. The first governor of RBI after nationalization, C.D. Deshmukh. First woman deputy governor of RBI, K.J. Udesi. RBI emblem, tiger and palm tree. What is monetary policy? The policy made by the central bank, Reserve Bank of India, to control the money supply in the economy. Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee of India is a committee of the Reserve Bank of India that is responsible for fixing the benchmark interest rate in India. Section 45ZB of the Amendment RBI Act 1934 provides for an empowered six-member Monetary Policy Committee to be constituted by central government to determine the interest rate that is required to achieve the inflation target. The MPC is required to Monetary Policy Committee is required to meet at least four times in a year. Six-membered MPC is headed by RBI Governor Urjit Patel. The members of the Monetary Policy Committee appointed by the Central Government shall hold office for a period of 4 years. Various tools or instruments for monetary policy. These can be divided into quantitative and qualitative instruments. Quantitative instruments, open market operation. This method refers to buy and sell of securities, bills and bonds of government by RBI in the open market to expend or contract the amount of money in the banking system. When RBI purchases government securities, liquidity increases because RBI is paying when the
party some money to buy that security, or RBI is pouring additional money into the system. On the reverse, when RBI sells government securities, liquidity decreases because those players are giving their cash to RBI to purchase the securities. Liquidity adjustment facility. Liquidity adjustment facility is also a tool used by RBI to control the short-term money supply. Liquidity adjustment facility has two instruments, namely repo rate and reverse repo rate. Repo rate, the interest rate at which the Reserve Bank provides loans to commercial banks by mortgaging their dated government securities and treasury bill. Reverse repo rate, the interest rate at which the Reserve Bank borrows from commercial bank by mortgaging its dated government securities and treasury bill. While repo rate injects liquidity into the system, the reverse repo rate absorbs the liquidity from the system. Marginal Standing Facility, MSF. It is a loan facility for banks to borrow from the Reserve Bank of India in an emergency when interbank liquidity dries up completely. How is MSF different from repo rate? MSF loan facility was created for commercial bank to borrow from RBI in emergency condition where interbank liquidity dries up and there is a volatility in the overnight interest rate. To curb this volatility, RBI allowed them to deposit government securities and get more liquidity from RBI at higher rate than the repo rate. Reserve ratio, SLR or CRR. SLR, statutory liquidity ratio, all commercial bank in the country required to keep a given percentage of their demand and time deposit, net demand and time liability, or NDTL as liquid assets in the their value as itself. It prevents the bank from letting all its deposit, which is too risky. Net demand and time liability mainly cost consists of time liability and demand liability. Time liabilities include money deposit, fixed deposit, cash certificates, called deposit, etc. Demand liabilities include money deposited in the saving account, money deposited in the current account, demand drafts, etc. Cash reserve ratio. The cash reserve ratio is the amount of funds that the bank are bound to keep with the Reserve Bank of India as a certain percentage of the net demand and time liabilities, NDTL. Bank cannot lend it to anyone. Bank earns no interest rate or profit on this. What happens when CRR is reduced? When CRR is reduced, this means bank required to keep fewer funds with RBI and resources available to bank for lending will go up. Bank rate. The bank rate is the rate which is fixed by the RBI at which its rediscount bill of exchange in government securities held by commercial bank. It is also known as discount rate. Bill of exchange is a financial document that has your payment of money by purchaser to the seller for goods purchased. Difference between repo rate and bank rate. Repo rate is a short-term measure. On the other hand, bank rate is a long-term measure. Quantitative, qualitative instrument, credit rationing. In this, RBI controls the maximum amount of credit flow to a certain sector. RBI may also make compulsory for the banks to provide certain protection of their loans to certain sectors such as priority sector, leading, etc. Selective credit control. Selective credit control is a tool in the hands of Reserve Bank of India to restrict bank finance against sensitive commodities. Margin requirement. RBI can prescribe margin against collateral. For instance, lend only 70%, 70 rupees for rupees 100 value property. Margin requirement being 30%. If RBI raises margin requirement, customer will be able to borrow less. Moral suasion. Moral suasion refers to the method of request, a method of advice by the RBI to commercial banks to take certain measures as per the trends of the economy. Direct action. RBI issues certain guidelines from time to time based on the current situation in the economy. These guidelines should be followed by bank. If any bank violates these guidelines, RBI penalizes them. Current policy rates. Policy repo rate 6.25%, reverse repo rate 6.00%, marginal standing facility rate 6.50%, bank rate 6.50%. Reserve ratio SLR, CRR is 4%, SLR 19.50%. Different types of unemployment.